सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतः। जय माता दी, हर हर महादेव। जीवन में कई संकेतों के बाद, जिसमें दीपक में फूल भी है, जीवन में कार्य बनने लगते हैं। आप सभी के कई कमेंट्स आते हैं, या जो है पर्सनल भी कई लोग मुझे बताते हैं कि इन संकेतों के बाद या इस तरह से मेरे कार्य प्रभु बनाने लगे हैं। बात होती है श्रद्धा और सच्चे भाव और सच्चे मन की। प्रत्येक कार्य के लिए जब हम ईश्वर को साक्षी मानते हैं या ईश्वर के द्वारा ही इस कार्य को किए जाने का श्रेय हम भगवान को देते हैं, तो भगवान भी हमारे उस कार्य का श्रेय लेते हैं और उस कार्य में निरंतर वृद्धि करते चले जाते हैं। ऐसे में कई संकेत मिलते हैं जिसके बाद जो है कार्य बनने लग जाते हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर को मानने में असमर्थता महसूस करते हैं। हम उस कार्य का श्रेय ईश्वर को नहीं देना चाहते। यकीन मानिए, दीपक में फूल बनने के बाद कई तरह के कार्य सभी जनों के बनने लगते हैं, परंतु हम मनुष्य जो है अपनी सूक्ष्म नजरों से इन चीजों को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें जो है यही कार्य चाहिए, हमें इसी रूप में यह कार्य होना चाहिए, परंतु ईश्वर जानते हैं जो कर रहे हैं ईश्वर वह सही है। किसी न किसी रूप में वह हमारे लिए आगे चलकर अच्छा ही होना है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, वह आपके कार्य धीरे धीरे बनाएगा। उचित समय का वह इंतजार कर रहा है और वह धीरे धीरे आपके संकट भी कटेंगे। धन संबंधी कोई परेशानी है तो उसका भी अंत होगा, परंतु आप ईश्वर की निस्वार्थ भावना से कभी सेवा करके देखिए। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है, वह जब भी मंदिर जाता है, व्रत करता है, पूजा पाठ के कार्य करता है, बस वह चाहता है कि हम जो है कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाए, कोई चीज हम जो है ईश्वर से प्राप्त ही करें। निस्वार्थ भावना से इस कलयुग में जो जन सेवा है, प्रभु सेवा है, भक्ति सेवा है, बहुत लोग कम कर पाते हैं। कहने का अर्थ है, हम जो है किसी न किसी स्वार्थ से ही भगवान की सेवा अर्चना कर रहे होते हैं। हम किसी न किसी चाहत से जो है प्रभु की सेवा अर्चना कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग इस कलयुग में होते हैं जो निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करते हैं और भगवान द्वारा जो उन्हें सुख और दुख रूपी जो धूप छाया इस जीवन में दिया गया है उसे स्वीकार करने में असमर्थता महसूस करते हैं। इस नश्वर शरीर को धरती पर भगवान ने किसी न किसी कार्य के लिए भेजा है। हम उन कार्यों के विपरीत होते हुए अपनी जो अनेक इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ईश्वर की नज़रों में तो रोटी, कपड़ा और मकान जो तीन बेसिक चीज़ें हैं, वही उन्हें जो अपने भक्त को प्रदान करता है उसकी नज़रों में वही उसके लिए पर्याप्त है। परंतु मानव की असीमित इच्छाएं, असंतुष्ट व्यवहार जो है उनकी इच्छाओं को निरंतर प्रगतिशील किए गया है, अर्थात एक इच्छा पूरी होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है, उसी के कारण असंतोष, मानसिक पीड़ा इत्यादि, भय इत्यादि उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम ईश्वर को कोसते चले जाते हैं और जो उन्होंने हमें दिया है उसे पूर्ण रूप से जो है आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। उस चीज से और अधिक की कामना निरंतर बढ़ती जाती है। ईश्वर ने हमें पर्याप्त दिया है। संतोषम परम सुखम इस मंत्र को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो प्रत्येक संकेत हमारे लिए सत्य साबित होता हुआ चला जाता है और उचित समय पर हमारा कार्य भी बनता चला जाता है। ईश्वर को निस्वार्थ सेवा भावना से, अर्चना से आप रिझाने का प्रयास करें, कार्य अवश्य बनेंगे। मन में संतुष्टि की भावना रखें, जो दिया है उसे पूर्ण आनंदता से जिएं, तो जीवन में देखिए खुशियां स्वयं आनी आरंभ हो जाएंगी। विशेष रूप से महिलाओं का स्वभाव होता है, वह असंतुष्टिता से हमेशा घिरी रहती हैं और अधिक की भावना निरंतर उनके मन को घेरे रहती है। उसी कारण से उन्हें मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति इत्यादि जो उनकी ठीक ठाक भी रहती है या उन्हें जो है जीवन गुजारने के लिए ईश्वर ने दिया है उन्हें जो है उसकी अनुभूति न होते हुए बहुत अधिक जो है पैसे की कामना, बहुत अधिक जो है धन ऐश्वर्य की कामना जो है मानसिक पीड़ा निरंतर देती चली जाती है। ऐसे में ईश्वर कहते हैं जो व्यक्ति संतोषम परम सुखम का मूल मंत्र अपने दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में बैठा कर रखेगा वह जीवन में निरंतर सुखी रहता हुआ चला जाएगा। कई कमेंट्स मिलते हैं जिनमें सब बताते हैं कि उनके कार्य बनने लगे हैं। जरूर दीपक में फूल बनने के बाद कार्य बनने लगते हैं, बस विश्वास रखिए अपने उस ईश्वर पर, वह
समय आने पर आपके हर एक कार्य को बनाएगा, आपके कष्टों का निवारण जरूर करेगा। निरंतर भक्ति के राह पर आप सभी को बढ़ते रहना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे निरंतर जो है और अधिक कुशल उस पर होते जाना है, उसका फल आप सभी को मिलना निश्चित है। कष्टों का निवारण भी प्रभु समय आने पर जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी के भी कार्य भगवान बनाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।